नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर की हॉट सीट कही जाने वाली मालवीय नगर विधानसभा की। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी के साथ चुनावी कैंपेन में तेजी नजर आ रही है। 25 नवंबर को एक ही चरण में यहां पर मतदान है, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। राजधानी जयपुर में भी इन दिनों चुनावी उफान देखने को मिल रहा है। जयपुर शहर की मालवीय नगर विधानसभा सीट पर पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मालवीय नगर सीट के लिए कांग्रेस ने दो बार चुनाव हार चुकी अर्चना शर्मा को फिर से चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। तो बीजेपी ने भी विधायक कालीचरण सर्राफ को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर सीट के लिए सीट के चुनाव परिणामों की अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। यहां से कुल 22 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था, जिसमें भाजपा के कालीचरण सर्राफ विजयी हुए थे। सर्राफ को कुल 70,221 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की डॉक्टर अर्चना शर्मा को 68,570 वोट प्राप्त हुए थे। बहुत करीबी इस मुकाबले में कालीचरण सर्राफ ने महज 1,704 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी और इस चुनाव में मालवीय नगर सीट से कुल 215,102 वोटर्स थे, जिसमें 111,908 पुरुष और 103,194 महिला वोटर्स से 67% करीब वोटिंग हुई थी इस पूरे जो चुनाव में, और करीब 2,331 जो वोट डाले गए थे नोटा में। कुल मिला के अर्चना शर्मा इस चुनाव में हार गई थी और बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में अर्चना शर्मा ने लेकिन बेहद मजबूत फाइट दिखाकर यहाँ कांग्रेस का दबदबा बढ़ा दिया था। शायद इसीलिए दोनों ही दलों में इस सीट पर चुनाव लड़ने की इस बार कई लोगों ने उम्मीद जता दी थी। पिछले चुनाव में मामूली वोटों से जीत के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर कालीचरण सर्राफ की छवि को धक्का लगा और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि इस सीट से बीजेपी कोई युवा चेहरा चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं 2008 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार चुके राजीव अरोड़ा भी यहाँ टिकट की दौड़ में थे, लेकिन उनको नहीं मिला और दोनों ही पार्टियों ने एक बार फिर से अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा जता दिया। भले ही कांग्रेस और भाजपा शुरुआत से ही कहते रहे कि इस बार युवा और नए चेहरों को मौका देंगे, लेकिन भीतरघात से डर से कहीं ना कहीं दोनों ही दलों ने कोई रिस्क नहीं लिया और पुराने उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतार दिया। एक तरफ जहां इस सीट पर अब कालीचरण जीत का चौका लगाने की तैयारी में है, तो वहीं अब अर्चना शर्मा कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार यहाँ जीत के लिए प्रयास करेंगी, क्योंकि इस सीट पर पिछली बार हार और जीत का अंतर बेहद कम वोटों का था। ऐसे में इस सीट पर डॉक्टर अर्चना शर्मा जीतने के लिए पूरी दमखम लगाने में है। चुनावी मुद्दों की अगर बात की जाए तो क्षेत्र में यहाँ पर झलावा और मनोहरपुरा कच्ची बस्ती के साथ सीवरेज और खुले नालों की प्रमुख समस्याएं बरसों से ज्यों की त्यों पड़ी है। भले ही सरकार बदलती रही हो, लेकिन दोनों ही दलों की ओर से सत्तारूढ़ दल की टांग खिंचाई जरूर की गई, लेकिन सुधार शून्य रहा है। इसके अलावा यहाँ कॉलोनियों में पिछले सालों अपराध में तेजी आई है, चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। खैर, मुद्दों के लिए चुनाव आजकल लड़ा भी कहां जा रहा है। फिलहाल इस सीट की मौजूदा स्थिति अगर देखें तो एक और सत्तारूढ़ पार्टी में समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रहते हुए अर्चना शर्मा ने क्षेत्र के लोगों से और भी ज्यादा जुड़ने का प्रयास किया है। वहीं भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कालीचरण सर्राफ उम्रदराज होने के साथ ही कई आरोपों से भी घिरे रहे हैं। हालांकि हार जीत का फैसला तो जनता को ही करना है, लेकिन यह तय है कि मुकाबला यहां इस बार भी कांटे का है। चुनावी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।